ओके, तो स्टूडेंट्स आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज हम इस समय चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर चुके हैं कल के सेशन में, और HTML का इंट्रोडक्शन और क्रिएटिंग HTML डॉक्यूमेंट, HTML सॉफ्टवेयर के बारे में, कौन कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं HTML डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, वो हमने देख लिया था। ठीक है, तो अभी इसके आगे चलते हैं, जिसमें कि हम व्यूइंग द HTML पेज, टाइप्स, एलिमेंट्स, रूल्स और बेसिक HTML, HTML के जो एलिमेंट्स होते हैं उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अभी हम HTML स्टडी कर रहे हैं। तो व्यूइंग द HTML पेज किस तरीके से, जो HTML पेज होता है वो हमको व्यू होता है, क्या क्या उसके स्टेप हैं। वेब ब्राउजर में गो टू द एप्लीकेशन मेन्यू, देन चूज इंटरनेट ऑप्शन। सबसे पहले तो आपके पास में जो भी आप HTML डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसको देखने के लिए, उसको टेस्ट करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए, एक वेब ब्राउजर होना चाहिए जिसमें कि आप उसको टेस्ट कर सकें। उसके बाद कोड करने के लिए आपके पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए, नोटपैड जिसको हम बोलते हैं, उसके अंदर आप वो HTML की कोडिंग करेंगे, वो आपके पास में होना चाहिए। उससे हम क्या कहते हैं, जो भी एडिटर होगा उसमें हम अपनी HTML की फाइल क्रिएट करेंगे। HTML को डॉक्यूमेंट बनाने का फॉर्मेट क्या होता है ये हमने कल आपको बता दिया था कि HTML को हम पहले HTML टैग का यूज करते हैं। HTML टैग, जब भी हम बोलेंगे टैग, ठीक है, तो आपको ये करना है, ठीक है, यानी ग्रेटर देन लेस देन इस ब्रैकेट के अंदर इसको क्लोज करना है। उसके बाद हम हेड टैग का यूज करेंगे। ये मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सिर्फ हेड टैग के अंदर जो भी हमको लिखना है वो हम लिखेंगे, जो भी हेडर सेक्शन में हम डालते हैं। आगे बताएंगे कि हेडर सेक्शन में क्या क्या चीज़ें डालते हैं। नॉर्मली हम फर्स्ट पेज में आपको बताया था, उसमें हम आपको टाइटल बताया था, टाइटल आपको बताया था, फिर टाइटल में आप लिखेंगे और टाइटल आप अपना क्लोज कर देंगे। ठीक, टाइटल बनाया था, हेड सेक्शन आपका क्लोज हो चुका है। उसके बाद में बॉडी सेक्शन आपका आ जाता है, बॉडी टैग आ जाता है, बॉडी में आप लिखेंगे और बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद में आपको HTML टैग क्लोज करना है। सबसे बढ़िया बात जो होती है इसके अंदर मार्कअप लैंग्वेज के अंदर, वो ये होती है कि इसमें ये केस सेंसिटिव आपका नहीं होता है, ये टैग आपका केस सेंसिटिव नहीं होता है। अदर लैंग्वेज आपकी कुछ केस सेंसिटिव भी होती हैं, लेकिन ये वाली जो लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव आपकी लैंग्वेज नहीं है। केस सेंसिटिव इन द सेंस कि आप इसमें HTML कैपिटल में भी लिख सकते हैं, आप HTML टैग इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप HTML ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इसको यहाँ पर लिखे होने से मतलब है ये स्पेलिंग करेक्ट होना चाहिए, आपका सेंटेंस केस को ये मेजर नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद में ये तो आपका बेसिक स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, उसके बाद में टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स पे आ जाते हैं कि कौन कौन से हमारे एलिमेंट्स होते हैं। तो इन HTML कंटेनर एलिमेंट्स, कंटेनर जानते हैं आप सभी लोग, जैसे कि ये जो टैग था ये एक कंटेनर का काम करता है। कंटेनर जैसे जानते हैं, कंटेनर क्या होता है, जैसे ये आपका कंटेनर है, ठीक है, कोई बाउल है या फिर कोई गिलास का आपका कप है या बीकर है, ठीक है, ये आपका एक कंटेनर है, इसमें आप है यहाँ पर कंटेन करेंगे। तो ये आपका स्टार्टिंग कहाँ से होगा, सबसे पहले इसके बॉटम से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर आप जो है ये आपका टैग सेक्शन हो गया, कहाँ तक आप इसमें लिखेंगे, यहाँ तक, तो यहां पर आपका ये क्लोज हो गया, ये इसकी लिमिट है। ठीक है, इस तरीके से कंटेनर होता है, जैसे कि आपका HTML टैग हो गया, हेड टैग हो गया, जितने भी ये सारे टैग्स होते हैं ये आपके कंटेनर होते हैं, और इसके अंदर हम जो है डेटा को स्टोर करते हैं। ठीक है, उसके बाद में कुछ आपके एम्प्टी एलिमेंट भी होते हैं।
जैसे कि ये आपके बॉडी टैग जो भी, ये जो जितने भी टैग थे इनको तो आप इसके अंदर डेटा फिल करेंगे, लेकिन इनको आपको क्लोज करने की जरूरत है। यहाँ पर आपने ये स्टार्ट कर दिया तो यहाँ पर आपको बताना होगा कि ये कहाँ पर क्लोज हो रहा है, ये यहाँ क्लोज हो रहा है या यहाँ पर क्लोज हो रहा है। कंटेनर में आपको बताना होगा कि ये टैग कहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर फिनिश हो रहा है, ठीक है। दोनों चीज़ें आपको ओपन करनी पड़ेंगी। लेकिन कुछ एम्प्टी टैग भी होते हैं जिसमें आपको केवल आपको स्टार्टिंग करनी होती है, और जो जब जो नेक्स्ट टैग होता है जहाँ से स्टार्ट होता है वो ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्लोज हो जाते हैं, उनको क्लोजिंग पॉइंट बताने की नीड नहीं होती है, ठीक है। तो वो कौन से टैग होते हैं, जैसे कि आपका होता है HR टैग, ये आपका कैसा टैग है, ये आपका एम्प्टी एलिमेंट है, यानी इसको क्लोज करने की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ पर हमको इस तरीके से लिखने की जरूरत नहीं है कि क्लोज HR टैग, ये हमारी इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से आपका है BR टैग, ये लाइन ब्रीक करने के लिए यूज होता है। जब एक लाइन आप लिख देते हैं तो उसके बाद में नेक्स्ट लाइन कहाँ से स्टार्ट होगी, उसके लिए हम ब्रेक लाइन, इसका फुल फॉर्म होता है BR यानी ब्रेक लाइन, लाइन को ब्रेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। HR टैग आपका हेडिंग का टैग होता है, ठीक है। तो ये आपके टैग होते हैं, इस तरीके से इनको एम्प्टी टैग बोलते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड सेल्फ क्लोजिंग और वॉइड एलिमेंट्स, इनको हम सेल्फ क्लोजिंग भी कह सकते हैं, अपने आप से बंद हो जाते हैं, ओके, अपने आप से ये बंद हो जाते हैं, और क्या कहते हैं इसको, कोई भी दोबारा से बंद करने की जरूरत नहीं है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट है, इसके कुछ रूल्स होते हैं जो कि आपको समझने जरूरी है, ठीक है। रूल्स क्या क्या है, टैग इज इनक्लोज इन एंगुलर ब्रैकेट्स। सबसे पहला रूल यही है कि आप जो है जो भी टैग लिखेंगे उनको ब्रेसेस के अंदर लिखेंगे, ठीक है। आपने ब्रेसेस स्टार्ट कर दिया या क्लोज कर दिया, आप स्टार्ट करना भूल गए या क्लोज करना भूल गए, तो वो टैग आपका काम नहीं करेगा। सेकेंड में देखिए, सेकेंड क्या है, HTML रूल्स। अब आ जाते हैं आपके रूल्स, ठीक है। इसके रूल्स क्या है, सेकेंड है टैग मे और मे है नॉट हैव एन एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट कंपलसरी नहीं है, एट्रीब्यूट आप जानते हैं जो टैग होता है उसके कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, तो वो कंपलसरी नहीं है, वो आपके आप लगा भी सकते हैं और आप नहीं भी लगाएंगे तो भी टैग आपका काम करेगा, कोई कंपनसेशन वहां पर नहीं है, ठीक है। थर्ड क्या है, इफ द टैग हैज एन एट्रीब्यूट देन द एट्रीब्यूट इज रिटन इन द स्टार्टिंग टैग नेम बाय द गिवन अ स्पेस। जो आपका टैग, अगर आप एट्रीब्यूट यूज करते हैं तो एट्रीब्यूट इज रिटन इन द स्टार्टिंग टैग बाय नेम Giving a space। जो भी आप टैग यूज करेंगे उसके बाद में आप स्पेस देंगे, टैग एट्रीब्यूट का नाम लिखेंगे, इक्वल टू और डबल क्वोट्स के अंदर उसकी जो है प्रॉपर्टीज आप डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वो आपका जो टैग जो है आपका काम करेगा, एट्रीब्यूट आपका टैग का एट्रीब्यूट जो है वो वर्क करेगा। फोर्थ देखिए, द एट्रीब्यूट ऑफ अ टैग हैज अ वैल्यू एंड द एट्रीब्यूट नेम डज नॉट हैव अ स्पेस। जो एट्रीब्यूट आपका होगा उसकी वैल्यू डिफाइन करना, अगर आप उसको डिफाइन कर रहे हैं तो उसकी वैल्यू देना आपको कंपलसरी है, अगर आप उसकी वैल्यू नहीं देंगे तो वहां पर वो वर्क नहीं करेगा, ठीक है। फाइव पॉइंट देखिए, द टैग एट्रीब्यूट वैल्यू इज गिवन आफ्टर द इक्वल साइन। जो एट्रीब्यूट आप डिफाइन करेंगे उसके बाद में आपको इक्वल का साइन वहां पर यूज करना है, ठीक है। अब किस तरीके से उसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लेते हैं लास्ट के तीन पॉइंट आपके एक में ही कवर हो जाएंगे। जैसे आप देखिए, बॉडी टैग आपने यूज करा, ठीक है। अब बॉडी के अंदर बॉडी हमको किस तरीके की लेनी है, भूमि शंकरदार दोबारा से ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। आवाज आपकी खुली हुई है, कोई डिस्टर्बेंस भी नहीं है, आवाज लगता है थोड़ी सी आपकी, बदला रहा है।
देखिए ये आपका है कंप्लीट टैग, ठीक है, कंप्लीट टैग है आपका। बॉडी टैग हमने यहाँ पर यूज करा है, यहाँ पर कौन सा टैग यूज करा है, बॉडी टैग। तो ये आपका हो गया टैग, ठीक। उसके बाद में आप यहाँ पे देंगे स्पेस, ये स्पेस दिया हुआ है, ठीक। इस स्पेस के बाद में आप यहाँ पर डिफाइन करेंगे इसका एटीट्यूड। यहाँ पर हम एटीट्यूड दिया आपने बीजी कलर, ये हमने लिया है इसका एट्रीब्यूट, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। इसको जो एट्रीब्यूट होता है वो फिक्स्ड होते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। ये इसी तरीके से टैग्स जो होते हैं वो फिक्स होते हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। एट्रीब्यूट आप जो होते हैं, यहाँ पर एट्रीब्यूट दिया हुआ है बीजी कलर इक्वल टू, आपको यहाँ पर ये ग्रीन क्या दिया हुआ है, इसकी ये वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो वैल्यू डिफाइन करना कंपलसरी है, अगर आप एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं और वैल्यू नहीं देंगे, डिफाइन नहीं करेंगे, तो वो वहां पर वर्क नहीं करेगा, ठीक है। तो ये आपका बेसिक रूल थे, जो कि आपको HTML टैग और HTML एलिमेंट्स में आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करते टाइम ध्यान रखने हैं और इसका यूज करना है। ओके, यहाँ पर क्लियर है सभी के लिए, यहां तक सभी को क्लियर है? बॉडी टैग्स, एट्रीब्यूट्स, वैल्यूज, ये सारी चीजें आपको यहां तक क्लियर हो गई होंगी। ओके, इसके बाद में हम चलते हैं HTML एलिमेंट्स का। HTML एलिमेंट्स में हम चलते हैं, ठीक है। HTML एलिमेंट्स में हमने क्या करेंगे, HTML एलिमेंट्स में हमको क्या करना है कि HTML सबसे पहले हमको HTML टैग देखना है, जो कि मोस्ट कॉमनली हम यूज करेंगे, ठीक है। और कौन कौन से इसके एट्रीब्यूट्स होते हैं ये भी हम देखेंगे, कौन कौन से एट्रीब्यूट्स हम इसके यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा जो HTML टैग है, आप सभी जानते हैं HTML टैग, कई बार बता दिया है आपको HTML टैग इस तरीके से आप यूज करेंगे, ये हो गया आपका HTML टैग। जब हम बोल रहे हैं HTML टैग, तो टैग का मतलब ब्रेसेस ऑटोमेटिकली वहां पर आ जाएंगे। उसके बाद में हम यहां पर एट्रीब्यूट यूज करेंगे DIR एट्रीब्यूट, इसके बारे में बात करते हैं। तो जो आपका DIR एट्रीब्यूट होता है, इट अलाउज यू टू इंडिकेट टू द ब्राउजर द डायरेक्शन इन विच द टेक्स्ट should flow। DIR टेक्स्ट बताता है कि डायरेक्शन जो है टेक्स्ट की वो किस साइड से होगी, लेफ्ट से होगी, सेंटर से होगी, या फिर राइट साइड से होगी। द DIR एट्रीब्यूट कैन टेक एनी वन ऑफ द टू वैल्यूज गिवन बिलो, ठीक है। दो वैल्यूज में हम इसको चूज कर सकते हैं, एक आपका होता है LTR और RT, ये दो वैल्यू होती हैं, इसको बोलते हैं लेफ्ट टू राइट, और RTR को बोलते हैं राइट टू लेफ्ट। दो हमारे पास DIR होते हैं, DIR आपका एट्रीब्यूट है HTML एलिमेंट का, और इस एट्रीब्यूट के अंदर दो प्रॉपर्टीज, दो वैल्यूज हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एक LTR होती है जिसको हम लेफ्ट टू राइट कर सकते हैं, या फिर RTR होती है जिसको हम राइट टू लेफ्ट कर सकते हैं। इसको इस तरीके से हम कुछ लिखेंगे HTML, ठीक है, उसके बाद में स्पेस देंगे DIR इक्वल टू LTR, सेम तरीके से जैसे पहले पैटर्न था उसी तरीके से हम इसका यूज करेंगे। और यहां पर ये हमारा रन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में जो नेक्स्ट आपका एट्रीब्यूट है वो है लैंग्वेज एट्रीब्यूट। ये था आपका DIR एट्रीब्यूट। DIR को हम फुल फॉर्म में डायरेक्शन भी कह सकते हैं, डायरेक्शन कम इन द सेंस
कि जो आपका टेक्स्ट होगा वो किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट टू राइट होगा या फिर राइट टू लेफ्ट होगा, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट एट्रीब्यूट है आपका लैंग्वेज का एट्रीब्यूट। लैंग्वेज आपने देखा होगा बहुत सारे पेजेस होते हैं वेब पेजेस जिसमें कि हम मल्टी लैंग्वेज का यूज करते हैं। हम वेब पेज को हिंदी में भी बना सकते हैं, इंग्लिश में भी बना सकते हैं, डच, फ्रेंच, जर्मन, ग्रीक, इंग्लिश, जापानीज, चाइनीज, किसी भी लैंग्वेज में बना सकते हैं। तो अलग अलग लैंग्वेज के लिए हमको अलग अलग एट्रीब्यूट वहाँ पर यूज़ करने होंगे। इसमें हम सेकंड जो पढ़ेंगे लैंग्वेज का एट्रीब्यूट है, इसको हम इस तरीके से लिखेंगे HTML, ओके, और लैंग्वेज इक्वल टू, फिर इसकी वैल्यू दे देंगे कौन सी वैल्यू में हमको चाहिए, ठीक है। जैसे हमको हिंदी लैंग्वेज में अपना वेब पेज बनाना है तो हम HI कर रहे हैं, हिंदी की जो शॉर्टकट होता है कोड होता है, यहाँ पर वैल्यू में हमको यहाँ पर क्या देना होता है, कोड देना होता है। तो प्रॉपर लैंग्वेज का आपको कोड पता होना चाहिए। इंग्लिश आपको लिखना है तो EN यूज करेंगे, चाइनीज आपको लिखना है तो आप ZH यूज करेंगे। इसका टेबल 92 पर दिया हुआ है, पेज नंबर पर आपकी बुक में, तो वहां से भी आप इसको यूज कर सकते हैं। डच में आपको लिखना है तो NL का यूज करेंगे, फ्रेंच में FR का यूज करेंगे, जर्मन में DE का यूज करेंगे, ठीक है। ग्रीक लैंग्वेज आपको लिखनी है तो EL का यूज करेंगे, इंग्लिश यूज करनी है तो US, EN US यूज करेंगे, और UK यूज करनी है इंग्लिश तो EN UK का यूज करेंगे, ठीक है। दो टाइप की इंग्लिश होती है, US में अलग तरीके से इंग्लिश बोली जाती है और UK में अलग तरीके से इंग्लिश बोली जाती है, ठीक है। और नॉर्मल आपको वर्ल्ड वाइड वाली इंग्लिश बोलनी है तो ये आपकी इंग्लिश चलती है क्योंकि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेबल होती है। ZA जापानीज, ठीक है, ZH आपका चाइनीज, PT का पोर्टुगीज, हिंदी के लिए HI। तो ये इसके शॉर्ट कोड हैं जो कि आप उसको वैल्यू देते टाइम पे आपको याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डॉक टाइप। डॉक टाइप आपका क्या होता है, ये आपका डॉक्यूमेंट बताता है कि जो आपका डॉक्यूमेंट किस तरीके का है, ये भी आप इसमें यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप यूज करते हैं डॉक टाइप का, ये आपका डॉक टाइप है। और उसके आगे HTML आ जाएगा, HTML टैग आप यूज करेंगे, HTML, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट का टाइप बताने के लिए आप यहाँ पर उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपका हेडिंग सेक्शन आ जाता है और हेडिंग सेक्शन के टैग आ जाते हैं। तो हेडिंग सेक्शन में आपको कौन कौन से टैग यूज करने हैं, हेडिंग सेक्शन का जो टैग होता है वो अभी इससे पहले आपको स्ट्रक्चर में बताया था कि हेडिंग सेक्शन जो होता है यहाँ पर हम वो जो आपका HTML टैग है उसके बाद में हेडिंग सेक्शन का यहाँ पर यूज करते हैं, हेडिंग टैग का यूज करते हैं। और हेडिंग टैग यूज्ड फॉर इंडिकेटिंग द हेड सेक्शन, जो आपका हेडर सेक्शन होता है, जिस तरीके से कॉपी में आपके मार्जिन छूटा हुआ होता है ऊपर की साइड में, तो वो आपका हेडिंग के लिए छोड़ा जाता है। इसी तरीके से हेडिंग, पेज का हेडिंग बनाने के लिए, वेब पेज का हेडिंग बनाने के लिए हम हेड टैग का यूज करते हैं। इंक्लूडेड इनसाइड हेड टैग आर नॉट डिस्प्लेड ऑन ब्राउजर विंडो। खास बात यह है कि हेडिंग टैग आपका ब्राउजर में डिस्प्ले ही नहीं होता है, व्यू ही नहीं होता है। बॉडी सेक्शन के अंदर जो आप लिखेंगे वो ही वहां पर जो है डिस्प्ले होता है, वो ही व्यू होता है, बाकी का आपको व्यू नहीं होता, ठीक है। इट मार्क्स अ प्लेस फॉर मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट टू बी स्टोर्ड। मेटा इंफॉर्मेशन इज द इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ रेदर देन इट्स कंटेंट। मेटा इंफॉर्मेशन के लिए ये यूज होता है। मेटा इंफॉर्मेशन को हम इसमें यूज करते हैं शो करने के लिए, मेटा इंफॉर्मेशन को डालने के लिए हेड टैग का यूज करते हैं कि हम जो CSS यूज करेंगे उसका क्या पाथ होगा, हमारा JavaScript फाइल होगी उसका क्या पाथ होगा, ठीक है, और अदर जो फाइल्स हैं उनको लिंकअप कराने के लिए, और
सारी चीजें, बाकी की सारी चीजें हम हेड टैग में रखते हैं। बॉडी में केवल डिस्प्ले वाली जो चीजें होती हैं वो ही हमको लिखते हैं। स्क्रिप्ट है, ठीक है, स्टाइल डेफिनेशन है, ये सारी चीजें डिस्क्रिप्शन हम जो है हेडिंग सेक्शन में देंगे। मेटा डिस्क्रिप्शन सारी चीजें हम हेडिंग टैग, हेड टैग के अंदर हम यूज करेंगे। उसके बाद में आ जाता है आपका टाइटल टैग। टाइटल टैग अभी आपने देखा था, टाइटल टैग में हमने क्या किया था, हमने वेब पेज का टाइटल दिया था, ठीक है। ये आपका आ गया TITL, ये टाइटल टैग में आपका वेब पेज का आप इसमें टाइटल देंगे कि वेब पेज जो भी आप बना रहे हैं वो किस चीज से रिलेटेड है, तो वो आप वहां पर मेन हेडिंग वहां पर आप दे सकते हैं, उसका टाइटल आप दे सकते हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट जब कोई खोलेगा तो उसको पता लग जाएगा कि ये जो डॉक्यूमेंट है, वेब पेज है, ये किस चीज का है। जब कोई भी चीज आप सर्च इंजन में सर्च करते हैं तो सर्च इंजन आपको जो है फटाक से वो पेज ढूंढ के दे देता है, ठीक है। जैसे आप सर्च करेंगे बेस्ट जो है फूड, ठीक है, तो बेस्ट फूड के जितने भी वेब पेज होंगे वो सर्च करके दे देगा। वो कहाँ से सर्च कर रहा है, टाइटल टैग से ही सर्च कर रहा है। आपका टाइटल टैग इस तरीके से होना चाहिए कि जो भी चीज आप बना रहे हैं वो उसके अंदर मेंशन होनी चाहिए, उसके अंदर डिस्क्रिप्शन उसका होना चाहिए, उसके अंदर उसका टाइटल पड़ा होना चाहिए उसकी, इस चीज का ये वेब पेज है, तो उसको सर्चिंग करने में आसानी हो जाती है। उसके बाद में आप देखिए बॉडी टैग। बॉडी टैग में डॉक्यूमेंट बॉडी टैग एलिमेंट्स कंटेन ऑल द कंटेंट, सारा कंटेंट तो आपका बॉडी टैग के अंदर ही होता है, जो भी हमारा डिस्प्ले पे शो होता है एचटीएमएल पेज के अंदर, ठीक है, वो आपका सारा का सारा बॉडी में लिखा जाता है। इसके बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जो कि हम बॉडी में यूज़ करते हैं, जैसे कि आपका कलर हो गया, बैकग्राउंड कलर हो गया, टेक्स्ट हो गया, लेफ्ट मार्जिन हो गया, टॉप मार्जिन हो गया, ठीक है, लिंक हो गए, वी लिंक हो गए, ठीक है, आ लिंक और वी लिंक। वी लिंक अभी आपको बताएंगे आगे कि आ लिंक और वी लिंक क्या होता है और नॉर्मल लिंक क्या होता है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम जो है अलग अलग तरीके से अपनी को अपने जो पेज है उसको हम डिजाइन करते हैं। बैकग्राउंड एट्रीब्यूट्स इज यूज्ड व्हेन यू वांट टू पुट एन इमेज एज योर बैकग्राउंड। इसमें आप अपनी बैकग्राउंड में इमेज का भी यूज कर सकते हैं। बैकग्राउंड में आपने देखा होगा पूरे के पूरे पेज पे बैकग्राउंड एक इमेज आती रहती है, तो उसको हम यूज कर सकते हैं। टेक्स्ट एट्रीब्यूट का हम यूज कर सकते हैं कि कोई भी टेक्स्ट उसके अंदर अगर हमको लगाना है तो वो भी हम उसके अंदर यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब आपने देखा होगा जैसे बॉडी है, बॉडी के अंदर हमको कलर देना है बीजी कलर इक्वल टू, तो अभी आपने देखा था वहां पर आप जो है कलर आप दो तरीके से मेंशन कर सकते हैं। एक तो आप नॉर्मली आपने लिख दिया भाई रेड कलर, तो वहां पर आपका रेड कलर जो होगा वो आ जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका कलर कोड देने का ये है कि हम वहां पर हेक्साडेसिमल कोड यूज करेंगे। हर कलर का एक कोड होता है और वो कोड एचटीएमएल लैंग्वेज में एक अलग कोड होता है जिससे कि हेल्प से हमारे कलर बने हुए होते हैं। जो आपकी स्क्रीन होती है, जो आपकी TFT CRT जो भी स्क्रीन है उसमें जो कलर बनते हैं वो जी फॉर्मेट से बनते हैं, RGB, ठीक है। इसका मीनिंग होता है रेड ग्रीन ब्लू, इन थ्री कलर की हेल्प से कोई भी कलर आपका बनता है और वो कलर का एक कोड होता है, ठीक है, उस कोड को बोलते हैं हेक्साडेसिमल कोड, ठीक है। तो जिस तरीके से ये आपका 6 डिजिट का कोड होता है, तो यहाँ पर हम इसकी जगह यूज कर सकते हैं F, 6 टाइम हमको F यूज करना है। तो ये एक कलर कोड है जो कि हमारे व्हाइट कलर को इंडिकेट करता है। ये आपका किसका कोड है, व्हाइट कलर का। इसी तरीके से ब्लैक का अलग कलर कोड होता है, ब्लू का अलग होता है, रेड का अलग होता है, पिंक का अलग होता है, वायलेट, जितने भी कलर हैं, कलर की शेड्स हैं, उनके भी अलग अलग कोड होते हैं। और ये आपके बेसिकली
सिक्स डिजिट से बने होते हैं और इसके स्टार्टिंग में हैशटैग लगा हुआ होता है, ठीक है। जैसे कि आपका ग्रीन कलर आपको लिखना है, तो ठीक है, ग्रीन कलर का कोड हो गया 00FF00FF00। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है सिक्स, इस तरीके से। सिक्स, जिसकी सिक्स एज होती है उसको हेक्साडेसिमल कहते हैं। तो यहां पर जो कोड होगा वो सिक्स डिजिट का होगा, ठीक है, सिक्स कैरेक्टर उसके अंदर होंगे, तो वो आपका हेक्साडेसिमल कोड होगा। और उसको हम कलर देने के लिए यहाँ पर हम बीजी कलर के अलावा किसी और कलर में भी अगर हमको देना है, कोई शेड देना है, तो हम हेक्साडेसिमल कलर का यूज कर सकते हैं। प्रॉपर एक जो कलर है, जैसे रेड ग्रीन व्हाइट ब्लू, इनकी जगह लिखने की जगह हम अगर हेक्साडेसिमल कलर का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपका यहाँ पर आपको जो हैज लगा है वो भी लगाना आपको कंपलसरी है, तभी आपका कलर कोड अप्लाई होगा। हैज लगाना आपको यहाँ पर कंपलसरी है, हैज आपको यूज करना ही करना है, ठीक है। उसके बाद में आप देखिए, ये आपका हो गया कलर कोड का एट्रीब्यूट। उसके बाद में लिंक एट्रीब्यूट आपका आ जाता है। अभी हम हेडिंग सेक्शन में चल रहे हैं, हेडिंग टैग में चल रहे हैं कि लिंक किस तरीके से कराएंगे। लिंक में हम जो थर्ड पार्टी लिंक होते हैं उनको कैसे लिंक कराएंगे, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा, एक वेब पेज से दूसरी वेबसाइट पे चले गए, ठीक है, अमेजन पे विजिट कर रहे थे, वहाँ पे एडवर्टाइज आ गया, वहाँ पर आपने क्लिक कर दिया, दूसरी जगह पहुँच गए, ठीक है। गेम खेलते रहते हैं, गेम के बीच बीच में आपके एडवर्टाइज आते रहते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी इस तरीके से होती हैं। तो लिंक एट्रीब्यूट में क्या करता है, इट स्पेसिफाइज द कलर ऑफ द हाइपरलिंक टेक्स्ट दैट हैव नॉट बीन विजिटेड सो फार। द डिफॉल्ट कलर इज ब्लू, बट इफ यू वांट टू चेंज यूजिंग दिस एट्रीब्यूट इवन द कलर कोड कैन बी यूज्ड टू चेंज द लिंक कलर। लिंक कलर में आपने देखा होगा कि जो है लिंक दे देते हैं हम, ठीक है, और वो आपका ब्लू कलर का आ जाता है। तो वहां पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपका कर्सर से आपका वहां पर क्या जाता है, हैंड बना हुआ आ जाता है, इस तरीके से एक हैंड का फॉर्म बना हुआ आ जाता है, वहां पर आप उसको क्लिक कर देते हैं, ठीक। तो क्लिक आप कर देते हैं तो वो आपको लिंक पर आपको ले जाता है, जो भी लिंक होगा, जिस चीज का दूसरे वेब पेज का लिंक होगा उस पर आपको ले जाएगा। इसका ब्लू कलर का रहता है क्योंकि बहुत टाइम से अगर आप इसको विजिट नहीं करते हैं तो ये ब्लू कलर का हो जाता है, और अगर आप इसको विजिट कर लेते हैं तो इसका कलर जो है चेंज हो जाता है। अगर आप इसका डिफॉल्ट ब्लू कलर भी चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। वी लिंक एट्रीब्यूट,